लास्ट सन जजमेंट एंड द वर्ल्ड वो निकाल लीजिए. फर्स्ट कार्ड इज द सन. देखेंगे कार्ड को और फिर रश्मि से शुरू करते हैं आज. मैम इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. ओके सन जो है वो अपनी पूरी मतलब इट इज शोइंग एक्सट्रीम पॉजिटिविटी और नाइस अपॉर्चुनिटीज. और जो ये बच्चा हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है इट इज ऑल्सो मतलब वेरी हैप्पी और डिवाइन ब्लेसिंग्स अ विंग है उसके क्राउन के ऊपर. एंड ही इज फुल ऑफ एनर्जी बिकॉज रेड कलर सफिशियंट रेड कलर है और बैकग्राउंड में फ्लावर्स वगैरह भी हैं ग्रीनरी है तो इट मीन्स कि जो उसने पास्ट में एफर्ट्स किए हैं उसका उसको फ्रूट्स मिल रहे हैं. ओके एंड ओवरऑल द कार्ड इज वेरी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द ब्राइट कलर्स यूज्ड इन. ओके यस एनीबडी एल्स. यस ध्रुवी आपको कुछ दिखता है? मैम ये सन कार्ड है येलो सन है मतलब सन इज नोन फॉर पॉजिटिविटी तो पहले तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है. वो चाइल्ड जो है सन के जो हैप्पी दिख रहा है एकदम तो इसका मतलब है कि दिस इज अ कार्ड ऑफ हैप्पीनेस इट्स अ कार्ड ऑफ सक्सेस क्योंकि जो सनफ्लावर्स भी पीछे है वो पूरे ब्लूम्ड अप है. तो ब्लूमिंग तभी होती है जब उसे प्रॉपर नरिशमेंट या आपने बहुत टाइम से कुछ एफर्ट्स लिए हो तभी जाके फ्लावर्स ब्लूम होते हैं. तो इट्स अ सक्सेस कार्ड. सन भी एकदम ब्राइट और पूरा रीजन है. नॉर्मली बाकी में वो सन थोड़ा राइज होते हुए दिख रहा था ये तो पूरा ऊपर चढ़ा हुआ सन है. तो जो ये फ्लैग जैसा या जो भी है ये रेड कलर का ये भी एकदम ऐसे प्रॉपर क्या बोलते हैं उसको जैसे हॉइस्ट होता है पूरा विंड में तो वैसे ही ये भी हो रहा है. इसका मतलब है कि यू नो जैसे एग्जाम्पल बोलते हैं ना मोदी की लहर है जैसे हम लोग काफी बोलते हैं तो ये लहर है वैसे मतलब हाँ वैसे है मतलब लहर है तो वो बहुत प्रॉपर ऐसे स्विंग हो रहा है. इसका मतलब शायद इट इज विथ यू मतलब यू आर हैविंग विक्ट्री ऐसा कुछ. ओके देखिए नंबर क्या है 19. 19 का मतलब है 10. 10 का 10 में एक 1 भी छुपा होता है ना. तो फर्स्टली ये दिखाता है कि कंप्लीशन भी है इस कार्ड में. आपके जो एफर्ट्स थे उनकी ब्यूटीफुल विक्ट्री आपको मिल गई है ना. सो सन भी पूरा शाइनिंग सन है और सनफ्लावर्स भी पूरे खिले हुए हैं. इसका मतलब एक शाइनिंग विक्ट्री अभी अभी आपको मिली है. अब क्या है बच्चा दिखाया है घोड़े पे तो सोचने वाली बात ये है कि देखो इतना छोटा बच्चा ना कभी हॉर्स राइडिंग नहीं करता वैसे और करेगा भी तो ऐसे तो नहीं बैठेगा जैसे ये बैठा हुआ है. ये ऐसे बैठा है कि अगर घोड़ा थोड़ा सा आगे चला तो ये गिर जाएगा राइट. एंड एक ऑरेंज भी क्लॉथ हॉइस्टेड दिखाया है. ऑरेंज क्या बताता है ईगो को. और जिस तरीके से बैठा है हम कह सकते हैं अगर आप केयरलेस हुए या आपने ईगो आई आपने सोचा बस अब तो जो हासिल करना था कर लिया अब तो सब ठीक है तो आप गिर भी सकते हो. दिस सक्सेस इज नॉट अ परमानेंट सक्सेस इट इज अ टेम्परेरी सक्सेस. सक्सेस है हम मान रहे हैं विक्ट्री है लेकिन 10 में एक 1 भी होता है ना तो मतलब कंप्लीशन के साथ नई बिगिनिंग ऑफ द सेम एफर्ट्स दैट यू वर डूइंग भी होगा राइट. सो आपने विक्ट्री पा ली है वो बहुत अच्छी बात है लेकिन इसको आपको आगे भी इसी तरीके से करते जाना है. क्लियर. सो अब बच्चा दिखाया है ये चाइल्ड बर्थ को भी बता सकता है मैरिज को भी बता सकता है. ये कार्ड पॉजिटिव है दोनों चीजों के लिए. अब आप कहते हो मैंने कोई ट्रीटमेंट शुरू किया है ना आपने कोई आप बीमार थे आपने कोई ट्रीटमेंट शुरू किया उसका बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा. एक महीने का ट्रीटमेंट था 10 दिन में ही आपको ऐसे लग रहा है कि भाई मुझे तो कोई बीमारी नहीं है मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया. पर उसका मतलब ये नहीं है आप छोड़ भी सकते हो उसको. यू हैव टू कंटिन्यू विद द सेल. आपने डाइट शुरू किया आपको एक यू नो 3 मंथ्स में 4 kg लूज करना था आपने 1 महीने में ही लूज कर लिया पर उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको
छोड़ सकते हो, यू हैव टू कंटिन्यू विद द सेम जील. आपकी अरेंज मैरिज हुई, 2 महीने में ही आपको ऐसे लगने लगा कि वाओ हम तो एक सोलमेट्स है, है ना, हमारी तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है. पर उसका मतलब ये नहीं आप फॉर ग्रांटेड ले सकते. आपने बिजनेस शुरू किया, आप 6 महीने में ही ना आपका पूरी मार्केट में नाम हो गया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है अब आप लापरवाह हो सकते हो. आप सोच सकते हो आप स्टाफ संभाल लेगा, मेरे जाने की जरूरत ही नहीं है. दिस कार्ड सेज दैट यस द विक्ट्री इज ब्यूटिफुल. आपको बहुत छोटी उम्र में या बहुत कम टाइम में, है ना, अर्ली एज या अर्ली टाइम में आपको विक्ट्री मिल गई है, लेकिन आपको इसको संभालने के लिए आगे भी ऐसे ही एफर्ट्स डालते रहना है. यू कैन नॉट बिकम केयरलेस. क्लियर? सो इट इज अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड, बट गाइडेंस इज वेरी नेसेसरी इन दिस. देख लीजिए कार्ड को अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो. मैम सन पे एक फेस बना हुआ है, उसका क्या मतलब है? हैप्पी फेस दिखाया है ना उन्होंने, हैप्पी फेस दिखाया है, खुश, तरक्की, विक्ट्री. ओके मैम. हेलो. हाँ जी बताएं. हाँ जी बोलें. हमसे बोल रहे हो आप? घर पर जाने का आ रहा है तो आप मुझे बच्चे का डिटेल नहीं. हाँ जी. एनीबडी एल्स? कुछ डाउट, कोई क्वेरी? नेक्स्ट कार्ड इज जजमेंट. देखेंगे कार्ड को और फिर बताएंगे. मैम इसमें कब्र दिख रहा है और उसमें से जो मुर्दे हैं वो सब खड़े हो गए, जिंदा हो गए, तो इसमें ये दिख रहा है कि मतलब ये लोग सरेंडर कर दिए हैं, मतलब डिवाइन पे, तो सरेंडर पे आ गए हैं. और जो ऊपर में एंजल्स है तो वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बजा के बोल रहे हैं कि तुम लोग का टाइम अब आ चुका है, तुम लोग जो भी अपने लाइफ में स्टक थे किसी भी पर्टिकुलर चीज को लेके, तो वो अब समय आ गया है, वो तुम्हारा अब पूरा होने वाला है. और इसमें जो ये माउंटेन है बैक में, तो ये भी मतलब स्टेबिलिटी को दिखा रहा है कि अब तुम्हारा लाइफ में स्टेबिलिटी मतलब फाइनली अब हो जाएगा. ओके. यस. एनीबडी एल्स कोई कुछ कहना चाहता है? मैम इसमें डबल टेन है तो ये ब्यूटीफुल कार्ड है, इसमें कंप्लीशन का ये दिखा रहा है. आपकी जर्नी में भी सिंबलाइज करता है कि आपकी जो जर्नी है वो काफी कंप्लीट हो गई है. ऊपर ये जो एंजल है मे बी ही इज गिविंग हिज ब्लेसिंग्स. ओके. नहीं तो बट जर्नी कंप्लीशन का तो कोई सिंबल ही नहीं है यहाँ पे, जर्नी कंप्लीट कैसे मानेंगे? बेसिकली डबल टेन है एंड एंजल ऊपर से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. ओके. यस. और किस और कोई कुछ कहना चाहता है? नंबर क्या है? 20. इट इज नॉट डबल टेन, इट इज 20. 20 का मतलब होता है 202, बैलेंस का कार्ड है, राइट? और इसमें हम क्या देखते हैं, क्या हो रहा है, लोग कबर से बाहर आ रहे हैं. अब एक बात बताओ, असली में कौन कबर से बाहर आ सकता है? कोई भी नहीं, है ना, असली में तो नहीं कबर से बाहर आते. कबर में होने का मतलब क्या है? डीप रूटेड प्रॉब्लम्स में होना. हम कहते हैं यार मेरे तो कबर में पहुंच गया है ना, कबर में पैर लटका हुआ है, मतलब बिल्कुल मरने वाली हालत में है. डीप रूटेड प्रॉब्लम्स में से आप बाहर आ रहे हो. गहरी दिक्कतें आपकी भगवान की मर्जी से, जजमेंट का दिन था, है ना, जजमेंट फैसले का दिन था, और भगवान ने तुम्हारे अच्छे बुरे सारे कर्म माफ कर दिए और तुमको एक दूसरा मौका दिया है लाइफ में.
भगवान की ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको, और ऐसी दिक्कतें जो पूरी फैमिली लेवल होती है, देखो पूरा फैमिली बनी हुई है यहाँ पे, है ना, फैमिली लेवल प्रॉब्लम्स से आप बाहर आ रहे हो। अब ऐसी मान लो किसी का डिवोर्स हो रहा है, वो पूरी फैमिली की प्रॉब्लम है ना, किसी के घर में किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई, कैंसर टीबी ऐसी बीमारी जानलेवा, वो पूरी फैमिली की प्रॉब्लम है ना। किसी की जॉब छूट गई, किसी का बिजनेस बंद हो गया, पूरी फैमिली की प्रॉब्लम है ये। ऐसी किसी प्रॉब्लम में आपको भगवान की मर्जी से सेकंड चांस मिल रहा है, और देखिए ये रियल लाइफ है, मूवी नहीं है ये, जहां पे सेकंड चांस तो मिलना ही है, यहाँ पे नहीं मिलता लोगों को सेकंड चांस, फर्स्ट चांस में ही सब खत्म हो जाता है। आपको मिला है तो अब आपने हमारी गाइडेंस माननी है कि आपको यू हैव टू कीप योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, आपको अपने बेस्ट एफर्ट्स डालने हैं। ये नहीं करना कि भगवान ने चांस दे दिया तो वहीं के वहीं पहुंच गए जिस वजह से हुआ था, है ना। सो ये कार्ड जो है ये पास्ट के लिए अच्छा है, हम कह सकते हैं आपको एक सेकंड चांस मिला था, प्रेजेंट के लिए अच्छा है, सेकंड चांस मिल रहा है, लेकिन फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि सेकंड चांस तो मिलेगा पर पहली वाली चांस में तो बर्बादी पे आओगे ना। मान लो तुम कहते हो मैं बिजनेस खोल रहा हूं, तो हम कहेंगे कि भाई बिजनेस आपका एक बार तो बंद होने की कगार पे आएगा, उसके बाद चलो सेकंड चांस मिल जाएगा, लेकिन एक बार तो दिक्कत आएगी, तो हम ऐसी चीज क्यों शुरू करें? अगर हमारे पास कोई और ऑप्शन है तो हम वही ले लेंगे ना सीधा, है ना। मैरिज है तो मैरिज एक बार तो टूटने की कगार पे आएगी, तो मान लो अरे लव मैरिज वाला तो चलो नहीं मानेगा हमारी, वो कहेगा जी मुझे तो करनी है, तो उसको तो हम यही राय देंगे, गाइडेंस देंगे कि देखो आप कर तो रहे हो लेकिन आपको ना एक बार बहुत दिक्कतें आ जाएंगी इस शादी में, लेकिन तब हिम्मत रखना, गिव अप मत करना, क्योंकि उस समय आपको सेकंड चांस मिलेगा। लेकिन अरेंज मैरिज वाला तो सेकंड ऑप्शन कंसिडर कर ही सकता है ना, उसको कोई प्यार तो है नहीं, उसके पास अगर और कोई ऑप्शन है तो वो उसको कंसिडर कर ले, क्योंकि इस मैरिज में एक बार तो उसको प्रॉब्लम आ जाएगी। क्लियर? किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई तो हम उसको कह सकते हैं आप तसल्ली रखो आप ठीक हो जाओगे, भगवान आपको सेकंड चांस जरूर देंगे, लेकिन ठीक होने के बाद में आपने वही हरकतें नहीं करनी जिस वजह से अभी आपको ये बीमारी। क्लियर? सो दिस इज अ पॉजिटिव कार्ड बट फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट, फ्यूचर इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव ही रहेगा, यस नो में पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर? देख लीजिए एक बार कार्ड को, कुछ आपके मन में सवाल उठता है तो। मैम ये जो रेड क्रॉस बना हुआ है बीच में, ये क्या शो कर रहा है? ब्लेसिंग्स को दिखाता ना, भगवान की ब्लेसिंग्स से आपको दूसरा मौका मिला है, ये एंजल जो है ये भगवान का मैसेज दे रहा है आपको दैट यू हैव बीन फॉरगिवन। क्लियर? नेक्स्ट इज द वर्ल्ड। कार्ड को देखिए और रोहित से शुरू करते हैं। रोहित यस, रोहित आप म्यूट पे हो, अनम्यूट कर लो पहले। अनम्यूट। हाँ जी, इसमें इसमें मैम होलनेस को दिखाया हुआ है कि मतलब जैसे सर्कल है इसके चारों तरफ, तो ये शो कर रहा है कि मतलब इसको अभी जो भी चीज का जरूरत था, मतलब जो भी चीज इसको चाहिए था वो सब मिल चुका है इसको, और इसके चारों तरफ जो एनिमल है तो ये चारों तत्व को दिखा रहा है, मतलब जैसे जो ये होता है चारों सूट्स है, जो वॉन्ड्स है, पेंटिकल्स है, कप्स है, तो ये चारों सूट्स इसके पास मतलब टोटल मिल चुका है, जैसे मैजिशियन का था। और ये थ्री नंबर का कार्ड है, मतलब 21 है, तो ये थ्री हुआ, तो इसके पास हर वो चीज का नॉलेज भी है और स्टेबिलिटी है इसके पास, मतलब टोटल चीज है इसके पास,
डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है, मतलब अब इसको कुछ चीज का जरूरत नहीं है. दैट्स ऑल माय. Yes, anybody else who wants to add something? Ma'am, this lady is caring also because iske haath mein wands hain dono mein, so she is giving and taking, jo aapne bataya tha ek wo cheez hai. Aur ma'am, lekin ek cheez hai ki chal aage rahi hai aur dekh piche rahi hai, so she is still brooding about the past actions. Nahi, par wo chal kahan rahi hai, wo to matlab ek posture dikhaya na uska ki bhai in the, aap hum kehte na, I am on the 7th cloud, 9th cloud, 7th cloud. तो वो तो एक एक ऐसा उसका पोस्चर दिखाया हुआ है ना. ओके मैम. हाँ जी प्रतीक्षा बोले. मैम जैसे थर्ड नंबर का कार्ड है तो ये नॉलेज का कार्ड है, मींस ये एक साइकिल कंप्लीट कर चुका है पर्सन और इसको बहुत सारी चीजों की नॉलेज हो चुकी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो चुका है ये पर्सन. और एक्चुअली ये हाफ न्यूड है तो मींस वेरी अट्रैक्टिव पर्सन और बहुत ब्लेस्ड है, बहुत ज्यादा इसको इसके पास पावर्स आ चुकी हैं, मतलब नॉलेज इतनी गेन कर चुका है कि दूसरों की हेल्प कर सकता है. और एक साइकिल ही कंप्लीट कर चुका है और अब रेडी है मतलब लाइफ में दूसरों की हेल्प करने के लिए, अपने लिए बहुत कुछ गेन कर चुका है लाइफ. यस द वर्ल्ड. हाँ जी बोलो ध्रुवी बोलो. सर मैम यहाँ पे चार चीजें दिखाई है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लायन जैसे है वो से बहुत करेजियस होता है, तो लायन शायद करेज और अथॉरिटी ऐसे है. बुल जैसा कुछ है तो दैट इज लाइक बहुत स्ट्रेंथ है अपने, पावर है. फिर एक आदमी जैसा लग रहा है तो शायद इंटेलिजेंस या ऐसा कुछ हो सकता है दिमाग. और जैसे ये बाज बना है हुआ ईगल, तो जैसे बाज की नजर बोलते तो मे बी वेरी फ्यूचरिस्टिक, यू हैव दैट पावर. तो ये चारों चीजें नॉर्मली हमें विक्ट्री के लिए जरूरी होती है कोई भी चीज को पाने के लिए. तो ये चारों चीजें हैं और इसके बीच में ये पर्सन है जो हाफ निकेड है, तो ये इज वेरी प्योर एंड इसके पास ये चारों चीजें हैं जो किसी भी चीज को अचीव करने के लिए चाहिए. एंड ये इनफाइनाइट पावर है बिकॉज वो जैसे रिबिन जैसा है, वो एक इन्फिनिटी जैसा दिखा रहा है, तो ये इनफाइनाइट पावर है इसके पास टू अचीव वट एवर ही वॉन्ट्स टू. एंड तो शायद मुझे ऐसा इंटरप्रिटेशन लग रहा है. yes. देखिए नंबर क्या है, 21, 3 है ना, और 3 नंबर क्या बताता है, परम ज्ञान, जुपिटर का नंबर है. इस इंसान को इसने, हमने देखी एक जर्नी शुरू करी थी टैरो की द फूल से, हमने कहा था मूर्ख है ना, इसको कुछ नहीं पता. वो मूर्ख जो है वो सीखता सीखता जिंदगी के एक्सपीरियंस लेता लेता लुढ़कता उठता अब इस मुकाम पे आ गया है कि वो द वर्ल्ड से ऊपर उठ चुका है, वो मटीरियलिस्टिक दुनिया से ऊपर उठ चुका, उसको परम ज्ञान हो चुका है, उसको एनलाइटनमेंट मिल चुकी है, उसने जीवन में जो भी चाहा था सब कुछ हासिल कर लिया और अब वो उन चीजों से ऊपर उठ गया है. और अब उसका मन क्या है, सिर्फ देना, दोनों हाथों में स्टाफ है. अभी तक आपने सिर्फ एक हाथ में देखा था क्योंकि हम उतने ही लायक हैं देने के, एक हाथ वाले है ना, कि भाई इतना ही दे सकते हैं ना जितना हमें बस किया है. ये दोनों हाथों से दे रहा है क्यों, क्योंकि कंपैशन, कंपैशन जो होता है दैट इज द ओनली ट्रू वे ऑफ लिविंग. सो अब इसमें वो आ गया है, अपने लिए जो इसने हासिल करना था वो सब कुछ हासिल कर लिया. देखो दे वही सकता है जिसका पेट भर चुका है ना. जब तक हमारा पेट नहीं भराना हम नहीं ढूंढते किसी को कुछ देने के लिए. हमें लगता है पहले अपनी इच्छाएं तो पूरी कर लें, पहले अपने बच्चों को तो सेटल कर लें, पहले अपने लिए तो घर बना लें, है ना. जब हम पूरी तरीके से सक्षम हो जाते हैं तब हमारे मन में आती है कि हम अब हेल्प करें. तो ये इंसान पूरी तरीके से सक्षम हो चुका है और इसको ये बात भी समझ में आ चुकी है कि भाई ये मटीरियलिस्टिक दुनिया है और इसमें इतना कुछ नहीं रखा है ना. सो द वर्ल्ड मीन्स दैट यू हैव बीन एनलाइटेंड. आपने जो जो हासिल करना चाहा था वो सब हासिल आप कर चुके हो और अब आप सिर्फ देने की भावना रखते हो. क्योंकि नाम द वर्ल्ड है तो हम ये भी सजेस्ट कर देते हैं कि आप एक्चुअल ट्रैवल पे भी जा सकते. नेचर की रीत बनाई हुई है ना, ये रीत बनाई हुई है नेचर की. दैट मींस यू आर कनेक्टेड टू द डिवाइन, इनफिनाइट पोटेंशियल है. और देखो एनलाइटनमेंट तो तभी होगी ना जब कनेक्टेड विद डिवाइन होगे, तो वही बात है. सारे एलिमेंट्स हैं आप में, आपका आप में दिमाग भी, आप में स्ट्रेंथ भी, आप में करेज भी, आप फ्यूचरिस्टिक भी, सारी चीजें हैं आप में. एंड यूजिंग ऑल ऑफ दीज
यू आर गोइंग अहेड इन योर लाइफ एंड यू आर ऑन द राइट पाथ. आप बिल्कुल कंपैशन का रास्ता ही एक रास्ता है जिससे हमको हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ सकते हैं. तो वो सारी चीजें इस कार्ड में है. ये कार्ड बहुत पॉजिटिव है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हेल्थ रिलेशनशिप बिजनेस, क्योंकि ये कहता है तुम जो जो गोल पे भी काम करोगे उसमें तुम सब कुछ हासिल करो. क्लियर? इसमें बस आपको एक गाइडेंस देनी पड़ेगी. क्या गाइडेंस है वो? कि आपको डिटैच्ड नहीं होना. क्या होता है ना, जब हम ज्यादा यू नो एनलाइटेंड हो जाते हैं या स्पिरिचुअल हो जाते हैं तो हमें कई बार ना डिटैचमेंट आने लगती है. डिटैचमेंट का मतलब होता है कि हम यू नो थोड़े से ग्रस्त जीवन से डिटैच होने लगते हैं. तो अगर आप डिटैच हो गए और अगर आप एमलेस हो जाओगे, आपको लगेगा आप जैसे मान लो हम 35-40 ईयर्स के, हमें लगे हमने तो सब कुछ हासिल कर लिया, आप मुझे कुछ नहीं करना. तो अभी पता नहीं आगे कितना जीवन बचा है, 20 साल 30 साल 40 साल. अब एमलेस तो हम नहीं जी सकते ना. 7 दिन अच्छा लगता है बस. कोरोना में जब 7 दिन हम एमलेस हो गए थे ना, 8वें दिन नहाना भी छोड़ दिया था लोगों ने कि जाना कहाँ है, क्या करना है ना. सो एम इज वेरी नेसेसरी इन लाइफ. तो हमको इसको वही बात समझानी है कि देखिए आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, आपने अपने लिए अगर सब कुछ हासिल कर लिया तो आप दूसरों के लिए एम बना लो, लेकिन मेहनत करते रहो. क्योंकि जीवन, अगर आप ग्रस्त जीवन में जीना चाहते हो तो आपको एम्स तो बनाने पड़ते. डिटैचमेंट नहीं ला सकते आप अपने अंदर. Clear? So with this we have completed all our 22 major cards. अब आप अपने डेक में से सारे मेजर कार्ड्स निकाल लीजिए. अब हम प्रैक्टिस करेंगे. मैंने आपको कहा था क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में आज करवाऊंगी. 22 के 22 मेजर कार्ड्स निकाल लीजिए फटाफट. मैम अगर रिलेशनशिप प्रॉब्लम में वर्ल्ड कार्ड आता है तो फिर हम क्या गाइडेंस देंगे? प्रॉब्लम अगर आ जाए ना, जैसे कि क्या इशू है, तो फिर हम वही बात बोलेंगे डिटैचमेंट. आप क्यों, आपको ये यू नो आप थोड़े से डिटैच्ड हो गए हो, आपको दोबारा से यू नो दैट फीलिंग्स अपनी डेवलप करनी पड़ेंगी. आप लॉयल हो वो बात हमें समझ आ रही है, पर क्योंकि क्या होता है जब हम ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, ज्यादा एनलाइटेंड फील करने लगते हैं, हमें लगता है ये मटेरियलिस्टिक दुनिया है, ये रिश्ते भी यहीं के हैं, ये यहीं रह जाएंगे, ऐसी बातों में जब हम ज्यादा चले जाते हैं ना तो फिर डिटैचमेंट आती है मन में. तो वही बात उसको समझानी पड़ेगी. निकाल लिए. अब मैं एक क्वेश्चन बोलूंगी, आप वो 22 कार्ड्स को बस शफल कर सकते हो. कोई भी कार्ड निकाल लो उसमें से, उस क्वेश्चन का आप जवाब देने की आंसर करोगे. वन बाय वन में आपका नेम लूंगी, अनम्यूट करें, बताएं आप क्या बोलना चाहेंगे. पहले हमें कार्ड भी दिखा दें, है ना. पहला क्वेश्चन है, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये सबसे हॉट क्वेश्चन है टैर होगा. ठीक है, सो मेरे बॉयफ्रेंड ने या हस्बैंड ने या व्हाटसोएवर ने मुझे क्यों छोड़ दिया. हम शुरू कर रहे हैं ध्रुवी से. ध्रुवी बताएं, अपना कार्ड दिखाएं, अनम्यूट करें, बोलें. अनम्यूट फुल कार्ड. मैम ये टैरो का सबसे पहला कार्ड है, तो हम अपने क्लाइंट को ये बताएंगे कि शायद आप अपने रिलेशन में थोड़े लापरवाह थे. आपने शायद उतना जो आपको बोलते हैं ना अटेंशन जो देना चाहिए था आपके रिलेशन को, जो टाइम देना चाहिए था वो वैसा नहीं दिया. आप थोड़े कैजुअल हो गए अपने अप्रोच में, जिसकी वजह से सामने वाले को ये लग रहा होगा कि आप उतने इन्वॉल्व नहीं हो, जिसकी वजह से यू नो शायद उसने यू नो ये रिलेशन तोड़ दिया हो, ये शायद हम ये बोल सकते हैं उसे. Yes. So you took the relationship for granted, जो अगले granted. हाँ. Yes, correct. Sachita, card दिखाएं, unmute करें. Ma'am, hangman.
ओके मैम, यहाँ पे हम बोलेंगे कि क्यों छोड़ दिया मैम, इसने सारा एफर्ट लगा दिया पर इसका एटीट्यूड चेंज करना है मैम। वो जिस तरीके से कर रहे हैं शायद उससे उसका बात बिगड़ रहा है, उसको अपना एटीट्यूड चेंज करना है अपना। क्या कर रहा है वो? मैम वो तो उल्टा लटक गया है। हाँ तो फिर क्या कर रहा है ये बताना है आपको, रीजन क्या है उसका रिश्ता टूटने का? मैम यहाँ पे कार्ड पे तो है कि इसने सब कुछ कर दिया, सब ट्राई किया है पर फिर भी उसने अभी हाल सब कुछ छोड़ दिया है। हाँ तो ये बोलो ना कि आपने एफर्ट्स ही नहीं डाले, आपने पहले एफर्ट्स डाले आपको रिजल्ट नहीं मिला, फिर सब कुछ आपने भगवान भरोसे छोड़ दिया, आपने रिश्ते की तरफ सोचना ही छोड़ दिया, इस वजह से एफर्ट डालना है आपको, रुकना नहीं है। नहीं अभी उसने आपसे गाइडेंस नहीं मांगी ना, अभी तो वो रीजन पूछ रहा है, तो बस हमें रीजन बता देना है, बाकी आगे का सवाल तो आगे की बात है ना। राइट यस रश्मि। मैम स्ट्रेंथ कार्ड बताओ फिर मैम, आपने उसने छोड़ दिया मैम, इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, बिकॉज उसने अपने ऊपर इतना वर्क किया है और उसने अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल कर लिया है। अभी उसको थोड़े और एफर्ट्स इस रिलेशनशिप में पुट करने पड़ेंगे और देन फॉर श्योर ही विल अटेन। नहीं देखो आप लोग ना रीजनिंग और गाइडेंस को मिक्स कर रहे हो है ना। अभी तो रिश्ता तो उसका टूट गया। हाँ टूट गया। अभी तो वो नहीं आपनी आपकी गाइडेंस से नहीं जुड़ने वाला है, वो सिर्फ ये पूछ रही है कि रीजन क्या था, उसने मेरे को क्यों छोड़ दिया है ना। अब ये कार्ड क्या कहता है, आपको अपनी ईगो को संभालना चाहिए चीजों को सक्सेसफुल बनाने के लिए। अब टूट गया तो इसका मतलब वो नहीं संभाल पाई होगी ना, तो ये कार्ड कहता है कि भाई कमी आपके अंदर थी, आप अपने नेगेटिव क्वालिटीज को अपनी ईगो को अपने यू नो नेगेटिव डिजायर्स को नहीं कंट्रोल कर पाए तो इसलिए आपको उसने छोड़ दिया। आप बाहर कमी ढूंढ रहे थे, कमी आपके अंदर थी। क्लियर यस गैलेक्सी A50। हाँ आप ही हो, अनम्यूट करो, नेम नहीं लिखा हुआ ना आपका। हेलो मैम आप मुझे? नहीं आपको नहीं बोल रही, आप सैमसंग SM हो, चलो आप ही बता दो। सुनीता जी हो ना आप? हाँ जी मैम। आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है, मैं सुन रही हूँ आपको, क्या आप जो रिकॉर्डिंग भेजेंगे उसमें आवाज प्रॉपर रहेगी? बिल्कुल प्रॉपर रहेगी क्योंकि आपकी रेंज में प्रॉब्लम है, मेरी तो आवाज बाकी सबको ठीक आ रही है। आप नेटवर्क में नहीं हो शायद, वहां पे हवा के आवाज में ब्रेक आ रही है। हाँ जी आपका नेटवर्क ठीक नहीं है सुनीता जी। आप सुन लो अभी फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना ठीक है। हाँ जी आप बोलें। मैम सारे कार्ड को शफल करके निकालो फिर? कोई भी, हाँ कोई भी एक कार्ड निकाल लो, ये सिर्फ डमी प्रैक्टिस है। जस्टिस बताएं फिर क्यों छोड़ दिया उसके बॉयफ्रेंड ने उसे? देखिए मैम मैम जी ये जस्टिस कार्ड आया तो मैम ये बैलेंस मतलब शायद वो रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रही है, इस वजह से शायद उसके रिश्ते में कड़वाहट आई होगी और एफर्ट उसने डाला है बट शायद नहीं। ओके जस्टिस का कार्ड है, कोई और बोलना चाहेगा क्यों छोड़ दिया उसको? जस्टिस कार्ड है, एनीबॉडी एल्स हु वांट्स टू अटेम्प्ट? यस मैम
बोले मैम उसने अपने कंफर्ट जोन से वो बाहर नहीं आया, जो चीज सही थी उसको वो करना चाहिए था, वो स्टेप्स लेने चाहिए थे, बट उसको जो सही लगा उसने वही मतलब अपने वो अपने कंफर्ट जोन में रहा, उसने वो किया जो आसान था, उसने वो नहीं किया जो सही था, बैलेंस नहीं कर पाई वो रिलेशनशिप को, इसलिए उसके बॉयफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया. राइट, गुड रश्मि. यस जयश्री, आप दिखाएं अपना कार्ड. अनम्यूट करें. द चैरियट, यहाँ पे यानी कि उसका वो खुद पॉजिटिव और नेगेटिव उसके दो माइंड में चलता रहा कि वो अपना रिश्ता बैलेंस नहीं कर पाई है. कभी यानी कि लॉयलिटी नहीं दिखाई है उसने उसके प्रति, अगर वो उससे कुछ कहता है या कुछ बोलता है तो. okay. वो अपने रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पाई यहाँ पे. ओके okay. और अपनी इंट्यूशन की भी नहीं सुनी, बैलेंस भी नहीं किया, इंट्यूशन नेगेटिविटी को, इस वजह से रिलेशनशिप टूट गया. ठीक है. यस भावेश, भावेश आप हो वहां पे तो अनम्यूट करें. या मैम, मैं ना अभी बाहर हूँ, 10 मिनट लगेंगे पहुंचने में. ठीक है, इट्स ओके. तो मैं 10 मिनट के बाद मतलब रिप्लाई दे दूं. ओके रोहित. यस मैम, द डेविल का कार्ड आया हुआ है, तो इसमें ये दिखा रहा है कि आपके बॉयफ्रेंड ने आपको क्लियरली चीट किया है, वो जानते हुए भी आपको चीट कर रहा है. और राइट, इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट ही इज इन्वॉल्वड समवेयर एल्स, दैट इज व्हाई ही हैज लेफ्ट यू. राइट, ओके. सिमी, आर यू देयर? यप. या टेल मी योर कार्ड. सो आई गॉट द डेथ कार्ड. सो So it meant to happen because it was destined to happen because it's a death card and it was destined to happen. Nobody could have done anything. Nobody can do anything. It meant to be. Yeah. Yes. So. Right. Yes. Yeah. Anjali. Ma'am, मेरे judgment का card आया है and इसमें ये है कि बता रहा है कि relationships में बहुत ज़्यादा उसको problems आ गई थी. बट ये कार्ड कहते हैं कि फ्यूचर में उसको डिप्रेस होने की ज्यादा जरूरत नहीं है बिकॉज उसको सेकंड चांस मिलेगा. नो, नाउ दिस इज रॉन्ग. आप फ्यूचर एस्पेक्ट का जवाब दे रहे हो हमें, हमने नहीं पूछा रिश्ता तो उसका टूट गया, हमने पूछा रीजन. तो इसमें आपको प्रिडिक्शन नहीं देना, आपको रीजन देना है ना. ओके, सो जजमेंट का कार्ड आया है तो मे बी इस कार्ड के शो करते है कि उसके रिलेशन में ये प्रॉब्लम आनी थी और उसको सेकंड चांस भी मिला था पर उसने एफर्ट्स नहीं डाले. ठीक है, उसको भगवान ने बार बार मौका दिया पर वो अपने रिलेशनशिप को सही ट्रैक पे नहीं ला पाया, बैलेंस नहीं कर पाया, जो एफर्ट्स रिक्वायर्ड थे वो नहीं डाले, इसलिए रिश्ता टूट गया. ऑलवेज रिमेम्बर द एस्पेक्ट जो आपसे पूछा जा रहा है, तभी हमने 7 अलग अलग एस्पेक्ट पढ़े ना. तो जो अगर आपसे गाइडेंस पूछ रहे हैं तो गाइडेंस दो, रीजन पूछ रहे हैं तो रीजन दो, फ्यूचर पूछ रहे हैं तो फ्यूचर, मिक्स नहीं करना है. ऐसा नहीं करना फ्यूचर भी रीजनिंग भी, रीजनिंग भी गाइडेंस भी, ऐसा नहीं होगा. राइट, ओके, ऑल राइट. प्रतीक्षा, प्रतीक्षा यू देयर? हाँ जी बोलो. मैम द फूल कार्ड. ओके मैम, दिस इज अ वेरी वेरी लेजी एंड केयरलेस पर्सन. ओके, इस लड़की के बॉयफ्रेंड ने इसको वॉर्न भी किया होगा कि तुम अभी मतलब अपने रिलेशनशिप के लिए वॉर्न किया होगा, लेकिन She took this relationship for granted. इसलिए उसका relationship टूट गया. Okay. इसलिए उसके boyfriend ने उसको छोड़ दिया. Right. Yes. सबकी turn हो गई ना, कोई बचा तो नहीं? Next question. मेरा हाँ जी हाँ बच्चे sorry yes रोजा please आपका card दिखाएं. जी मेरा है the lovers. Lovers. Okay. जी 6 नंबर का कार्ड है, मतलब लग्जरी दिखाता है. तो ये बोल सकते हैं कि आप बहुत लग्जरी पसंद हो और मटेरियलिस्टिक शो ऑफ आपको बहुत पसंद है, तो इसीलिए बंदा छोड़ के चला गया. नहीं वो तो देखो, तो लग्जरी देख रहे हो तो वो लव का भी कार्ड है भाई, लेकिन उस कार्ड में डिस्ट्रैक्शंस हैं. तो हम बोलेंगे कि आपके लाइफ में जब आपका रिलेशनशिप था तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे और आप डिस्ट्रैक्शंस में पड़ गए थे. आपने अपने रिश्ते को साइडलाइन करके डिस्ट्रैक्शंस को ज्यादा अहमियत दी, इस वजह से
आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं किया. ऑल राइट. यस. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूं और अभी मैं जॉब कर रहा हूं, तो मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूं कि मैं जॉब करूं कि बिजनेस. सो दोनों में से मुझे क्या चुनना चाहिए. अब ये चॉइस क्वेश्चन है. आप दो कार्ड निकालेंगे, एक बिजनेस का एक जॉब का. दोनों को कंपेयर करेंगे, हमें दोनों कार्ड्स दिखाएंगे. पहले सब निकाल लो जिससे आपके टर्न पे आप फटाफट बोल सको. सारे दो दो कार्ड्स निकाल लीजिए, दोनों को देखिए, कंपेयर करिए, फिर मैं एक एक करके नाम लूंगी, आप मुझे बताएंगे. Yes, we'll start with Rosa this time. जी मैम, मेरा आया पहला the moon और the next one is the emperor. तो अगर business करेगा तो बहुत ही mental tension में रहेगा, बहुत ही loss होगा, जिसका कि फायदा मतलब अपने और पराये सभी उठाएंगे और enemies भी बहुत हो जाएंगे. लेकिन अगर job करे तो एकदम राजा की तरह strength stability सब उसका रहेगा. Excellent, है ना. Yes, Sachita. अनम्यूट कर लो. सॉरी मैम. हाँ जी मैम. एक तो लवर का कार्ड आया है, ये पॉजिटिव कार्ड है. अगर वो बिजनेस करेगा तो अच्छा चलेगा. क्या बोलूं मैम. हाँ कोई बात नहीं, अच्छा चलेगा, समझ गए. जॉब का क्या है. जॉब का मैम हर्मिट है. हाँ जी. ये तो मैम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कार्ड मतलब मिक्स है. तो मैम ये क्या दूसरों को मतलब. हाँ इस कार्ड में नॉलेज है पर अकेलापन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, तो हम क्यों चुनेंगे इसको, है ना. दूसरा कार्ड हमारा अच्छा वाला पॉजिटिव है तो उसको चुनेंगे. हाँ. है ना. क्लियर जी. थोड़ा बोलने की प्रैक्टिस करो सचिता, है ना. घर में कार्ड्स निकाल निकाल के शब्द चाहिए. आपको मीनिंग बहुत अच्छा समझ आ रहा है पर आप उसे कन्वे नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, है ना. लेकिन क्लाइंट को तो हमें शब्दों से ही समझाना पड़ेगा ना. तो थोड़ी सी घर में आपको प्रैक्टिस और करने की जरूरत है. ठीक है. रश्मि दिखाएं. मैम फॉर जॉब आई हैव गॉट दिस कार्ड एंड फॉर बिजनेस एज वेल. तो मैम दोनों ही पॉजिटिव कार्ड हैं तो क्लाइंट कैन गो फॉर एनी ऑप्शन. लेकिन फिर भी एज पर माय इंट्यूशन आई वुड सजेस्ट कि उसको जॉब के लिए जाना चाहिए बिकॉज ही इज गेटिंग द स्टार. तो अगर वो किसी अगर वो अपने एफर्ट्स पुट करता है तो वो बंजर धरती में भी फूल खिला देगा. बिकॉज कोई भी नया वेंचर हम शुरू करते हैं तो हमें नहीं पता होता कि वो कैसा कितना सक्सेसफुल रहेगा. बट यहाँ उसमें इतने पोटेंशियल है, इतने एफर्ट्स वो करने की उसके अंदर वो है कि वो उसका आउटकम बहुत अच्छा रहेगा. बिल्कुल. और जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो जाए कि दोनों कार्ड पॉजिटिव आ जाए तो हमेशा बड़े नंबर वाला कार्ड चुना जाएगा. ठीक है. जिसका नंबर बड़ा है. क्लियर. यस. आप बोले पहले अपना नाम बोलो, मैं रीनेम करूंगी आपको. हाँ जी अनम्यूट कर लें. अनम्यूट. अनम्यूट करें प्लीज. क्या वो अनम्यूट नहीं हो पा रहा है. यस मैम. मनीषा मैम. मनीषा. मनीषा. यस मनीषा बोलें प्लीज, दिखाएं अपने कार्ड्स. हाँ मेरा मैम एक द टावर आया एंड दूसरा डेथ कार्ड. अरे भगवान तुम तो कुछ नहीं करने दोगे उसको. ऐसी सिचुएशन में आप क्या बोलोगे बताओ मैम. मैम बोलूंगी कि मतलब आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो सकता है कि उसमें आपको सक्सेस मिलेगी भी और फिर आपका डाउनफॉल भी होगा, लेकिन फिर भी आपका वापस से आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे जहां आप चाहते हो, ऐसा बोल सकते हैं मैम. इस कार्ड के लिए बोल रहे हैं मैम द टावर में पहले कि अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस के लिए आपने बोला था ना. नहीं तो पर टावर में ये हाँ. नहीं हम कह सकते कि आप फिर से उस पोजीशन में पहुंच जाओगे, ना ही डेथ में बोल सकते हैं.
जब दोनों ही कार्ड इतने नेगेटिव होंगे तो हम हमेशा बोलेंगे कि अभी आप कोई फैसला करो ही मत, अभी अच्छा वही कंटिन्यू करो, अभी कोई नई चीज की शुरुआत करने का टाइम है ही नहीं। जी जी मैम, ओके, जय श्री। यस मैम, फॉर जॉब द टावर तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप जॉब ने जॉब के लिए ना जाए, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें द जजमेंट, बिकॉज आपको गॉड की ब्लेसिंग्स है और आप आपका बिजनेस बहुत अच्छे से फुलफिल होगा, तो आप बिजनेस के लिए प्रिफरेंस दे सकते हो। ठीक है, पर ये मत बोलो अच्छे से फुलफिल होगा, जजमेंट है ना, ये बोलो कि काम शुरू करो, एक बार आपको दिक्कत आएगी पर घबराना नहीं, आपको भगवान साथ देगा और अल्टीमेटली सक्सेस मिल जाएगी। ठीक है, ओके। यस ध्रुवी, आपकी टर्न होगी, हो गई ना आपकी? नहीं, अच्छा बोलो, नहीं बोलो। मैम बिजनेस के लिए द स्ट्रेंथ कार्ड आया है और जॉब के लिए द स्टार, तो दोनों ही पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन जैसे आपने बोला कि बड़े नंबर को चूज करेंगे तो हम द स्टार को चूज करेंगे, और वैसे भी मैम द स्ट्रेंथ से ज्यादा मुझे द स्टार द स्टार बेटर लगता है, क्योंकि द स्टार में एक चीज है कि जैसे वो नेकेड पर्सन है, तो जैसे आपने बोला वो अट्रैक्शन है, न्यूडिटी, तो वो जहाँ जॉब करेगा वहां वो एकदम ब्राइट उसका फ्यूचर दिख रहा है बिकॉज ऑफ द स्टार्स, एंड वो बहुत लोग उससे बहुत प्रभावित हो जाएंगे, प्लस वो एफर्ट्स नहीं छोड़ेगा, शायद वहां पे उसको सक्सेस ना भी मिले या जो भी हो, वो कंटिन्यूस उम्मीद नहीं छोड़ेगा कभी, जबकि द स्ट्रेंथ में हाँ सक्सेस भी मिलेगी। और स्ट्रेंथ कार्ड बिजनेस के लिए अगर हम देखने जाए तो बहुत स्ट्रगल के बाद हमें सक्सेस मिलती है, बिकॉज यहाँ पे जो लायन है वो किसी लायन को टेम करना इट्स नॉट इजी, इट्स आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल हमें वो चीज मिलती है, सो इफ गिवन अ चॉइस आई वुड सजेस्ट जॉब। ओके ऑलराइट गुड। रोहित मैम, जॉब के लिए जजमेंट आया है और बिजनेस के लिए दसन आया हुआ है, तो दोनों ही पॉजिटिव कार्ड है, तो पर लेकिन दोनों में से ज्यादा अच्छा कौन सा है? ज्यादा अच्छा तो मैम दसन ही लग रहा है, बट सन है ना, अर्ली सक्सेस है उसमें। यस मैम, बट आप जैसे आपने जैसे बोला कि जो मैक्सिमम नंबर रहेगा उसको, नहीं नहीं वो हमने बोला जब दोनों कार्ड्स इतने इक्वली पॉजिटिव हो, यहाँ पे तो जजमेंट क्या कहता है, एक बार प्रॉब्लम आके दूसरी बार में सक्सेस मिलना, वेयर एज सन कह रहा है कि तुरंत सक्सेस मिलना, जल्दी सक्सेस मिलना, तो यहाँ तो दोनों इक्वल है ही नहीं ना, है ना, बिजनेस वो इक्वल इक्वल की बात है, तो यही बोलेंगे कि आप बिजनेस के लिए प्रेफर करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। यस भावेश, अब बोल सकते हैं आप, अनम्यूट करें, अनम्यूट। यस मैम, जॉब के लिए जस्टिस का कार्ड आया हुआ है और बिजनेस के लिए डेथ कार्ड आया हुआ है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि आप सर्विस जॉब जो कर रहे हैं वो करो, आगे जाके आपका मतलब पोजीशन भी अच्छी रहेगी, पावर भी रहेगा और बैलेंस रहेगा, जो आपको चाहिए जो पोजीशन आपको चाहिए वो आपको मिल सकेगी, बिकॉज ये जस्टिस का कार्ड है, तो मीन्स आप में वो क्या बोलते हैं वो पोजीशन पाने की क्षमता भी है, जो पोजीशन आपको मिलेगी। और डेथ कार्ड है तो बिजनेस के लिए आप अभी नहीं जाए, क्योंकि बिजनेस के लिए जो आपको पोटेंशियल चाहिए और जो मतलब फंड्स या पोटेंशियल जो भी चाहिए वो एफिशिएंट नहीं है अभी करने के। All right, good. Pratiksha? Yes, ma'am. Ma'am, job के लिए stunt card है and business के लिए the emperor. Okay. मैम दोनों को अगर compare किया जाए तो उसमें मुझे job के लिए जो emperor आया है वो ज्यादा positive लग रहा है। Yes. वो एक powerful position में होगा, एक stable person होगा emotionally. एंड बहुत उसके अंदर स्ट्रेंथ होगी और वहां जाकर वो एक अच्छी पोजीशन हासिल करेगा जॉब में। बट मैम एक और स्ट्रेंथ में एक्चुअली उसको पहले अपनी सारी निगेटिविटी को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसके बाद जाके वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो। बिल्कुल, स्ट्रेंथ में एक स्ट्रगल भी है ना, एम्परर में वो नहीं है, एम्परर में तो वो पोजीशन हासिल ही हो चुकी, पैसा स्टेबिलिटी सब कुछ है, तो एम्परर को चुनेंगे। राइट, बट मैम वन कंफ्यूजन, आपने बताया कि जो हमारा बड़े नंबर का कार्ड होता है वो हम सेलेक्ट करते हैं, नहीं तो दोबारा एक नंबर का, नहीं नहीं सब लोग दोबारा से सुने, बड़े नंबर का कार्ड चुनना
ये जो फॉर्मूला हमने लगाया ये कब लगाया, जब दोनों कार्ड इक्वल है ना। okay. अब यहाँ पे तो इक्वल ही नहीं है, एम्परर इज फार मोर यू नो इन टर्म्स ऑफ बिजनेस इट इज फार मोर पावरफुल है ना। वो बात थी जब दोनों कार्ड इक्वल थे हमारे, तब हमने देखा था कि बड़े नंबर का कार्ड ले लो भाई। क्लियर? जो कंफ्यूजन हो तब हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू मैम। राइट, यस अंजलि आपके दोनों कार्ड्स बताएं। जी मैम, मेरा एक आया है डेविल आया है और एक स्ट्रेंथ आया है। तो डेविल मैंने जॉब के लिए चूज किया कि सब तरफ नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, सो यू बेटर लीव दिस जॉब और आगे प्रोसीड करो। और बिजनेस के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है, सो डोंट थिंक ट्वाइस, जस्ट गो फॉर इट। आपके पास डिवाइन ब्लेसिंग्स भी हैं और अब आपने काफी एक्सपीरियंस गैदर कर लिया है, सो आपको इसमें काफी प्रॉफिट होगा। सो करेक्ट यू आर, यस। सिमी बोले। For business, I got judgment card, and for job, I got a wheel of fortune. So for sure, I'll just go for a wheel of fortune means a job, go for a job. Yes. The judgment card dying. Still, like you know, he needed a second chance, but yes. Wheel of fortune is there, so he should go for a job. Perfect. So अब आपको सब लोगों की turn हो गई ना, कोई बचा तो नहीं? So, अब आपको ये बात समझ में आ गई क्वेश्चंस के साथ कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस आपके पास सबके पास हैं, आपको एक क्वेश्चन लेना है, एक क्वेश्चन पे एटलीस्ट 4-5 कार्ड अलग अलग निकाल लो, है ना, आपको कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन बदल लो, फिर 4-5 कार्ड्स निकाल लो, फिर क्वेश्चन बदल लो, फिर 4-5 कार्ड्स निकाल लो। इस तरीके से आपकी अच्छी खासी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी बोलने की। और एक चीज याद रखना, बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है, ऐसे नहीं करना कि हाँ कार्ड देखा हाँ ये तो मुझे समझ आ गया। समझ तो हमें सब कुछ ही आ जाता है, पर उसको कन्वे करना इज द मोस्ट यू नो डिफिकल्ट पार्ट। क्योंकि कई बार नेगेटिव कार्ड आएगा तो आप सोचोगे अब क्लाइंट को कैसे बोलूं इतनी नेगेटिव बात, तो हमें वो शब्दों में फ्रेम करनी आनी चाहिए, है ना। और कोई हमें गाइडेंस देनी है तो मैं कैसे बोलूंगी, रीजनिंग करनी है तो मैं कैसे बोलूंगी, फ्यूचर कैसे बोलूंगी। बहुत स्टूडेंट्स के साथ मुझे आगे चल के क्या प्रॉब्लम होती है, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं और पास्ट टेंस लगा रहे होते हैं, या पास्ट प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं और प्रेजेंट टेंस चल रहा होता है उनके शब्दों में, है ना। सो ये जो कोऑर्डिनेशन है ये अगर अभी से बिठाओगे तो आपको आगे इश्यू ही नहीं आएगा। आप लोगों का देखो अभी बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं हुई हैं, बट अंडरस्टैंडिंग लेवल मुझे अच्छा लगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस में मुझे ना ये समझ आ जाता है कि तुम कहाँ पे हो। जैसे आपको इतने डाउट्स नहीं थे तो मुझे लग रहा था पता नहीं पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना। बट आफ्टर द क्वेश्चन प्रैक्टिस आई एम हैप्पी बिकॉज आई कैन सी दैट एवरीबडी हैज बीन एबल टू आंसर। That means you are studying, है ना? जो नहीं पढ़ रहा होता वो नहीं आंसर कर सकता, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू करनी है इस वीक के लिए, नेक्स्ट क्लास आपकी सैटरडे होगी, और वो शफलिंग की प्रैक्टिस करते रहना है जो आपको बताया था। अब आगे चल के हम सूट्स पढ़ेंगे एंड वील कंटिन्यू जैसे हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आपके जो भी डाउट्स हैं क्वेरीज हैं वो पूछ लीजिए।